अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपने ज़मान में रख के सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी दे। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़रत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मूँग दाल खिचड़ी बनाने की रेसिपी। इसे पीली दाल भी कहते हैं। आज खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंग दाल यानी कि पीली दाल और चावल ली है। 1.5 कप चावल और 1 कप मूंग दाल ली है। अब पतीली में 1/2 कप ऑयल शामिल करें। ऑयल शामिल करने के बाद फिर इसमें 1 चम्मच साबित ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 2 छोटे सिनेमन स्टिक, 6-7 अदद साबित काली मिर्च शामिल करें। उसे अच्छी तरह से फ्राई करें। जब इनकी खुशबू आने लगे, खुशबू आने के बाद अब इसमें प्याज शामिल करें। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस में काट कर शामिल किया है। शामिल करने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब इसमें हरी मिर्चें शामिल करें। यहाँ पे मैंने 3-4 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं। मिर्चें शामिल करने के बाद अब इसे मिक्स करें और फ्राई होने तक पकाएँ। अब आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। लाइट ब्राउन होने के बाद अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और जब लहसुन और अदरक की पेस्ट की खुशबू आने लगे, खुशबू आने के बाद फिर इसमें दाल और चावल शामिल करें। यहाँ पर मैंने 1 कप दाल, 1.5 कप चावल लिया है और इसे 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसे हल्के आँच से मिक्स करें। हल्के आँच से मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी शामिल करें। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद अब इसमें नमक शामिल करें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद अब इसे हल्के आँच से मिक्स करें और पानी ड्राई होने तक पकाएँ। अब इसे हाई फ्लेम पर पकाएं जब तक कि चावलों से पानी ड्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो रहे हैं। जब ये पानी ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद आप इसे ढक कर दम पर पकाएं। अब पानी ड्राई हो चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा पानी है। अब इसे ढक कर 20 मिनट दम पर पकाएं। 20 मिनट दम पर पकने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मूँग दाल खिचड़ी बनकर तैयार है। अब इसे डिश आउट करें। देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, इजी, सिंपल मूंग दाल खिचड़ी बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे दही अचार के साथ भी खा सकते हैं। आप भी मूंग दाल की खिचड़ी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल बेस्ट कुकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने और अपने घर वालों का, ख़ासकर अपने वालदैन का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।